यूनियन सिविल कोड जानिए क्या है समान नागरिक संहिता। यूनियन सिविल कोड समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद और बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं एक धर्म विशेष के लोग। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनियन सिविल कोड लागू होने से हर मजहब, हर धर्म के लोग एक जैसा के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, यानी मुस्लिमों को 3 शादियां करने और पत्नी को महज 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता ख़त्म कर देने वाली रूढ़िवादी परंपरा ख़त्म हो जाएगी। वर्तमान में देश के हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये अलग अलग धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं और ये भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं, बाकी के लोग नहीं करते फॉलो। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, मतलब लेकिन अगर हम देखें आज तक ये लागू कानून नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वोट बैंक की राजनीति के कारण, क्योंकि एक ही घर के लोगों ने 30 साल तक भारत पर राज्य किया। ये भारत में लोगों को ब्रेन वॉश करके, मूर्ख बना करके किया गया और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका भी सपोर्ट करते रहे और अपने भाइयों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। इसे लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, हर एक प्रदेश में चल रही है और विशेष करके जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर स्पेशली इस कानून को लागू करने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये पूरे भारत में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाएगा या अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने स्टेट्स में लागू किया जाएगा। क्या है हिंदू पर्सनल लॉ? भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, जो आपका गार्जियनशिप एक्ट होता है उसमें बांट दिया। इस कानून ने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया है। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का भी अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये था हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड।